জেস্টিং যে সমস্ত অ্যাপ ছিল রল হচ্ছে একই ধরনের নামটা আলাদা নাম সবকিছুর একটা লিমিটেশন থাকা উচিত এই অভিনয়টুকুতেই সে পটু সিঙ্গারে ইউটিউব কিন্তু সব সময়ের জন্যই ভালো তার নিজের ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে পারে স্বাগতম সবাইকে আজকে আমরা দেখব টিকটক ভার্সেস ইনস্টাগ্রাম রিল এছাড়া লাইকি এ ধরনের অনেক অ্যাপ টিকটকের বিকল্প হিসেবে চলে এসেছে এক্সিস্টিং যে সমস্ত অ্যাপ ছিল তারাই নতুন নতুন নামে নতুন নতুনভাবে চলে আসতেছে তো এগুলো নিয়ে অনেক ধরনের ট্রল হচ্ছে আমরা আজকে সেই ট্রলেরই একটি ভিডিও দেখব যে ভিডিওটি আমরা দেখব সেই ভিডিওটি নেওয়া হয়েছে ট্রিগার গার্ড ইনসান থেকে ভিডিওটি আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে তো চলুন আমরা वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि 36 ऐप्स आएंगी और 36 ऐप्स जाएंगी 36 ऐप्स आएंगी और 36 ऐप्स जाएंगी लेकिन YouTube बेस्ट है कोई सेंस नहीं है कोई राइम नहीं है बट कोई फर्क नहीं पड़ता आगे बढ़ो 8 अगस्त 2020 मित्रों आज शाम से टिकटॉक बैन किया जाता है मोदी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद यूट्यूबर्स और मीमर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई और हम बेवकूफ ये सोच के कि टिकटॉक बैन हो गया खुश होते रहे लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इंस्टाग्राम रील्स ही टिकटॉक है इंस्टाग्राम टिकटॉक Instagram reel. स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जहाँ पे हम भूतपूर्व बहुत ही कमाल की उंदा ऐप टिकटॉक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो टिकटॉक को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आई है रोपोसो चिंगारी ट्रिलर रिजल जोश टकाटक मौज ये नाम है ये आपका नाम है एंड हम इंस्टाग्राम रील्स को कैसे भूल सकते हैं तो हम देखने वाले हैं क्या ये सारी एप्स जो है ये टिकटॉक से बेटर है क्या ये टिकटॉक ही है बस भेस बदल के आ गया ये क्या है इसका क्या मतलब है डिस्क्रिप्शन में लिखा है व्हेन समबडी फोटो बॉम्ब्स यू नहीं मतलब अब बंदे को देखना चाहिए कि ओ सॉरी ये जो जगह है इकलौता रास्ता है जो जाने का आशिका जी यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही है तो नहीं हमें नहीं जाना चाहिए वरना आशिका जी ऐसे एक्सप्रेशन देगी ये पप्पी यहाँ पे क्यों है ये माइक उल्टा क्यों है मैं चेयर पे ऐसे क्यों बैठा हूँ सॉरी मैं कुछ नहीं बोल रहा आशिका अमेजिंग वीडियो आशिका मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है अनफॉलो करती है अमेजिंग वीडियो मजा आ गया ये वीडियो देख के क्या एक्सप्रेशन दिया है प्लीज डोंट अनफॉलो मी ओके माय गॉडनेस शॉप ओ नो ओ वीडियो करते थे बाय द वे गाइस इट वाज जस्ट अ जोक कीबोर्ड पहले ही टूटा हुआ था वो तो बस पिछली जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था तो फिर मैंने इसका हाउ टू बेसिक कर दिया था मैं बहुत कॉफी पीता है भाई तू तो ऐसे चला है मैं तो करंट वरंट लग गया हो गया भाई अपनी तो जान निकल गई ऐसे ड्रामे करने हो ना भाई पहले बता दिया कर कि हम ही करने लगा हूं पापा वीडियो बना रहा था तो बस एक स्किट शूट कर रहा था वो मैंने मेरे को पता नहीं था आप बाहर ही हो तेरी स्किट तो यहां दे साहब खाना मत देखो साहब इस गरीब के पेट में चल जाएगा साहब खाना मत देखो साहब लाओ साहब मुझे दे दो मैं खा लूंगा साहब मैं खा लूंगा साहब इतना दुख इतना दर्द इस गरीब के पेट में चल जाएगा ये गरीब है गाइस गरीब घराने से है अनु मलिक जी गरीब है भाई ये बंदा है रुदाली रुदाली तुम्हें पता है क्या होते हैं मैं रुदाली हूँ
जब कोई दुनिया से चला जाता था तो रोने के लिए हमें बुलाया जाता था। ये भाई है प्रोफेशनल रोने वाले। पहले ये टिकटॉक पे रोते थे, अब ये इंस्टाग्राम रील्स पे रोते हैं। ए सब कुछ खाने को दो ना सब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। गाइस इस बंदे को बहुत ही भयंकर लेवल की गरीबी हुई है। नहीं मैंने बहुत गरीब देखे हैं लेकिन ऐसे दौरे पड़े ऐसी गरीबी कभी नहीं देखी यार। भैया आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक ट्वीट कर दो ना भैया, एक ट्वीट भैया प्लीज भैया प्लीज भैया। रोबर्ट मेरे भाई मैं हूँ, मैं करूँगा तेरे साथ ड्यूएट, मैं करूँगा तेरे साथ ड्यूएट। ड्यूएट कर से क्या करूँ साहब, आप तो जानते हैं साहब, कभी गरीब को खाने मिलता है तो कभी गरीब को नहीं मिलता है, जब मिल जाता है तो भगवान भरोसे उनका शुक्र गुजार है, जब नहीं मिलता खा लेते हैं साहब कुछ भी। मैंने पूछा हो जाते हैं साहब क्या करेंगे साहब, मैंने पूछा मजबूरी है, मैंने पूछा गरीबी पैदा किया क्या कर सकते हैं। नहीं मैंने पूछा कायर बोलेंगे ना फिर ऊपर से। ए तू जा रहे मरिया, तू जा रहे, अरे तू जा रही। Guys, देखिए टिकटॉक हो या टका टक, ये कब्ज वाली शक्ल बनाना लोग नहीं बंद करने वाले। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि दिस इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। देखिए टिकटॉक पे लौंडे बनाते थे ये गंदी सी शक्ल, अब टका टक पे लड़कियां भी बना रही है। हैशटैग जेंडर इक्वालिटी, हैशटैग व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। क्या कहा, आना है, माफ कीजिएगा मोहतरमा, अब मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तारे जमीन पर ये एक अलग ही ट्रेंड भाई अभी फैला हुआ है, जिसमें ऐसा बैकग्राउंड में गाना चला देते हैं और उसके ऊपर कुछ भी बोल देते हैं। हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोलना है, बस बैकग्राउंड में ये सैड सा गरीबी वाला म्यूजिक चला दो, उसके ऊपर कुछ भी बोलो। इस वक्त घड़ी में 7 बजे हैं, इसके बाद 8 भी बजेंगे। ये हेडफोन्स हैं पर इनमें कोई आवाज नहीं है, ये फोन की बैटरी अभी 3% पे है, इसके बाद 4 भी होगी। मतलब कुछ भी बोल दो और साथ में ये वाली ट्यून चला दो तो भाई सैड शायरी हो जाएगी। हैं नाइस, इसी बात पे तालियां। संधू भाई वो भी टिकटॉक पे अटकाटक पे, मेरे को लग रहा था सिर्फ गाइस हमारी ऐसे की तैसी हुई है लॉकडाउन में, लॉकडाउन ने तो सल्लू भाई की भी लगा दी। वैसे बात तो सही है, फिल्में विल्में आ नहीं रही है, घर पे वेले बैठे क्या करेंगे, टिकटॉक ही बनाएंगे, सॉरी टकाटक ही बनाएंगे, तो फिर दिल मत लगाइयो भाई वरना पछताना पड़ेगा। पागल ही है। पागल नहीं हूँ मैं, वेट कर फिर देखते हैं पागल कौन बनता है। ये सब देखने के बाद मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, तो बैकग्राउंड में वही सैड गरीबी वाला म्यूजिक चलाया जाए प्लीज। तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे लेकिन टिकटॉकर को कैसे बैन करोगे, आज टिकटॉक है कल नहीं होगी, टकाटक होगी, मौज होगी, चिंगारी होगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो गाइस। गाइस अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तो फिर मुझे बुरा लगेगा। गाइस वीडियो को लाइक करो एंड हम मिलते हैं। एक्चुअली ये वीडियो नहीं मैं की बोलबो जे टिकटॉक एवं रील তারপর হচ্ছে মজ এই ধরনের আরো অনেক ধরনের অ্যাপস আছে, সবগুলো অ্যাপস একই ধরনের কাজ করছে, ঠিক আছে একই ধরনের, শুধু নামটা আলাদা, ভিন্ন নামে একই কাজই করছে। টিকটক
রিলস, মজ এই ধরনের অ্যাপসে যে ধরনের ভিডিও বানানো হয়, ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডের যে মিউজিকগুলো বানানো হয় সেগুলো কিন্তু নিজেদের ক্রিয়েট করা না, এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা থেকে নেওয়া থাকে। কেউ কেউ নিজেদের, সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা সে শেয়ার করলো সেটা হচ্ছে অলওয়েজ স্যাড সংই থাকে, আর যা ইচ্ছা তাই বলো, মানে কোনো কথার কোনো মানে, একটা হাস্যকর কথা বলবো এর পিছনে যদি স্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দাও তাহলে এটা একটা স্যাডনেস হয়ে গেল, এগুলো খুবই আসলে হাস্যকর। অ্যাপসগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি মানুষ ফান করতে চায়, কিন্তু তারপরও একটা আমার মনে হয় সব কিছুর একটা লিমিটেশন থাকা উচিত, যেটা বাস্তবিক থাকে না, কারণ অনেক ব্যাপারে আছে যেগুলো আসলে রিয়েলিস্টিক না, সেসব জিনিস নিয়ে মানুষ অনেক বেশি মাতামাতি করে, বা যেটা যে বাচ্চাটার একটা অভিনয় দেখালো বারবার সে কান্না বা ভিখারির অভিনয়ই করছে, সে বার আগে একটা অ্যাপসে করতে এখন এরপরে অন্য অ্যাপসে সে খুবই মজা লাগছে বারবার সে কান্নাই করতে পারে। আর অ্যাপস গুলোতে যে ধরনের ভিডিও গুলো একই ভিডিও বারবার ইয়ে করা হচ্ছে, শেয়ার করা হচ্ছে, ওখানে কিন্তু কোনো কপিরাইট ইস্যু নাই, যেটা হচ্ছে ইউটিউবের ক্ষেত্রে থাকে। ইউটিউবে আপনাকে নিজস্ব কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে হয়, সেখানে আপনি চাইলে অন্যের কন্টেন্টকে কিন্তু ফ্রিভাবে ইউজ করতে পারবেন না, কিন্তু এই ধরনের যে রিলস এবং টিকটক এবং মজ, আরেকটা যে নাম বলো কি যেন, চিঙ্গারি, চিঙ্গারি, তো এই অ্যাপসগুলোতে এই ধরনের কোনো লিমিটেশন থাকে না। তবে ওভারঅল যাই হোক, ওর ভিডিও মেকিংটা খুবই ভালো ছিল, আর ও একটা কথা বলেছে যে ইউটিউব কিন্তু সব সময়ের জন্যই ভালো, তো ইউটিউব আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ এটা একটা প্ল্যাটফর্ম, মানুষ তার নিজের ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে পারে এখানে, আর অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে বেসিক বেসিক জিনিসগুলা অ্যাপসগুলা দিয়ে রাখে, তোমাকে জাস্ট অল্প কিছু জিনিস অ্যাড করলে হয়ে যায়, আর সেখানে মানুষের নিজস্ব যে ভাব আছে সেই ভাবটা ফুলফিল ভাবে কিন্তু প্রকাশ করা যায় না, কারণ সেখানে লিমিটেশন থাকে। আর আমার মনে হয় যে রিলস বা চিঙ্গারি এইসব জাতীয় যেগুলা অ্যাপস, টিকটক, এরা শুধু এন্টারটেইনমেন্টের জন্য, শর্ট টাইম এন্টারটেইনমেন্টের জন্যই কাজ করে, এটা বেসিক্যালি মানে ফিউচারের জন্য ওরকম কোনো কিছু না, যে এখান থেকে কিছু শেখা যাবে, ভবিষ্যৎ লাইফে কাজে লাগানো যাবে, বা এটা থেকে কেউ হয়তো এক্সপার্ট হচ্ছে, এরকম কোনো কিছু আমার কাছে মনে হয়নি এখন। এটা অ্যাপস যারা বানাচ্ছে তারা তাদের প্রয়োজনেই বানাচ্ছে, যারা এন্টারটেইনমেন্ট করছে তারা করুক, তাতে আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না, তবে আমরা ভিডিওটি দেখে মজা পেয়েছি। হ্যাঁ, ওভারঅল ভিডিওটি আসলে অনেক ভালো ছিল, আর শেষে যেমন সেও হচ্ছে যে ভিখারির অভিনয় করার মধ্যে সে বলো না প্লিজ প্লিজ আমাদের আমার এটাতে লাইক করো, অনেক সেরকম আমাদের চ্যানেলটিকেও লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, প্লিজ প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, এবং অবশ্যই কমেন্টস করে জানান আমাদের ভিডিওটি কেমন হচ্ছে। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।